ठीक है, तो कल हम लोग बात कर रहे थे, याद है अगर आपको, कि हमारे को स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए चाहिए कोहेरेंट सोर्सेस, राइट? और कोहेरेंट सोर्सेस जैसे मैंने आपको बताया, दो तरीके से बन सकते हैं, या तो है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, या तो है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, राइट? तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट के लिए मैंने आपको बताया कि फर्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारे लिए फॉर डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, उसके लिए पहला एग्जाम्पल जो है हमारे लिए वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, राइट? जिसमें आप स्लिट बनाते हैं, दो स्लिट बनाते हैं, जिसके वजह से ये दो छेद में आपको दो कोहेरेंट सोर्सेज आ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही सोर्स से आ रहे हैं, राइट? तो इस तरह से आपको एक आपको दो कोहेरेंट सोर्सेज आ जा सकते हैं, क्योंकि आप इसको वो कर रहे हैं, ठीक है? ओके okay. दूसरा तरीका जो हम लोग कल करे थे वो था हमारा फ्रेसनल्स बाय प्रिज्म, राइट? और फ्रेसनल्स बाय प्रिज्म कल मैंने आपको बताया, ये बेसिकली एक प्रिज्म है जिसमें से जो सबसे बड़ा एंगल जो है, या ये जो एंगल है 179 डिग्रीज का है, ये दो एंगल्स जो है ये हाफ डिग्री का है, 0.5 0.5 के है, राइट? और ये दोनों दो बाय प्रिज्म्स को जोड़ते हैं ऐसे बाय द बेस, तो सेकेंड बाय प्रिज्म आपको यहाँ आ जाएगा, राइट? और हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं टू प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है? तो उसके लिए मैंने आपको कल बताए थे, मैं फिर आपको बताऊंगी, मैंने आपको वो सॉरी ये है मेरे आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? हेलो, नो मैम, नो मैम, नो मैम। नहीं दिख रहा है? ठीक है ठीक है, अभी एक बार बताती तो ये एक मिनट था, नहीं दिख रहा है मैम। अभी एक मिनट है, अभी शेयर करती हूँ। ये है, ठीक है? तो मैंने आपको बताया कि ये जो बाई प्रिज्म है, ये बाई प्रिज्म को इस तरह से डालते हैं, ये तो दिख रहा है ना आपको अब स्क्रीन, आपको ये इमेज दिख रहा है ना जो मैं बता रही हूँ? ये है आपका सोर्स, राइट? ये है आपका सोर्स, एक सिंगल स्लिट यहाँ पे डालते हैं बाई प्रिज्म, राइट? और बाई प्रिज्म्स को डालने से क्या हो जाता है, हमारे को दो इमेजेस आते हैं, ये ऊपर हिस्से से एक इमेज आते हैं और ये नीचे वाले हिस्से से एक और इमेज आता है, और ये दोनों इमेजेस से हमें बनते हैं दो वर्चुअल सोर्सेस, दिख रहा है ना आपको? ये दो वर्चुअल सोर्सेस है, राइट? और ये दो वर्चुअल सोर्सेस जो है ये कोहेरेंट बनेंगे, राइट? और इस तरह से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं दो कोहेरेंट सोर्सेस, राइट? तो ये था आपका स्लिट, ये है आपका बाई प्रिज्म, और यहाँ स्क्रीन पे आपको आ जाएगा इंटरफेरेंस पैटर्न, राइट? और हम लोग ने कहा कि हम लोग वो यूजुअल फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई 2d, एंड उससे हम लोग को मिल जाता है ये जो बाई प्रिज्म के लिए जो आपका आप उसमें लैम्डा मेजर कर सकते हैं, राइट? तो आपको अगर यहाँ पे भी एक और आपको बता सकती हूँ मैं, आप लोग आई एम श्योर देख सक अभी देखेंगे, ये देखिए ये भी एक और वीडियो है जो आपको बताता है कि ये बाई प्रिज्म एक तो ये है, राइट? और ये बाई प्रिज्म का इस्तेमाल किया जा रहा है टू प्रोड्यूस ये इंटरफेरेंस पैटर्न, राइट? तो आप इसको देख सकते हैं, यहाँ मैं आपको बताती हूँ, तो देखिए ये है आपका सोर्स ऑफ लाइट, ओके? आई होप आपको अच्छी तरह से दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है आप लोग को अच्छी तरह से? ये है यस मैम, यस आपका, मैम, यस मैम। ये लाइट पड़ रहा है आपका बाय प्रिज्म से, राइट? अब ये सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट पड़ रहा है उससे ये लाइट रिफ्रैक्ट होता है, राइट? फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, जिससे आपको क्या बनते हैं, आपको ये लाइट देखो किस तरह से जा रहा है, ये जो बाय प्रिज्म से एंटर होके जाता है इस तरह से ये बेंड होके आता है, तो जिसके वजह से आपको ये जो डाइवर्जेंट बीम है इसको अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको मिल जाते हैं दो सोर्सेस, ओके? दो सोर्सेस, एक सोर्स यहाँ और एक सोर्स यहाँ, दिख रहा है ना?
ये जो दो सोर्सेज है, ये एक सोर्स है और या एक नीचे दूसरा सोर्स है। तो ये जो आपका इनिशियल सोर्स है, बाइप्रिज्म डालने से ये रेज मैम रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, तो आपको ये मैम दो मैम 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 बोलिए बोलिए, क्या हुआ, हेलो, क्या प्रॉब्लम है, मैम बोलिए। मैम हाँ, क्या हुआ, आपको स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हेलो, यस मैम, तो देखिए ना क्या प्रॉब्लम आगे है। बोलो क्या हुआ मैम, बोलो हाँ, मजहर, आगे बोलो यार, क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो मजहर, बोलिए, आप कंटिन्यू आगे कीजिए। बोलो, आगे क्या मैम सिर्फ बोल रहे हो, पता ना उसका हेडफोन खराब है, बोल नहीं पा रहा है, चला गया वो। तो चैट में उसको बोलो ना, चैट में लिखो आप कौन बोल रहा था, माजिद। हाँ यस मैम, वो लेफ्ट हाँ, कर गया तो उसका, लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम है उसको। आप चैट विंडो में टाइप कीजिए, अगर आपको ओके ओके प्रॉब्लम की है तो टाइप कीजिए, चैट विंडो है ना अपने पास, वो भी यस इस्तेमाल करिए, मैम, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये मैं आपको एनिमेशन बताना चाह रही थी कि ये फ्रेस्नेल बायप्रिज्म डालने से आपको ये दो वर्चुअल इमेजेस आते हैं, राइट। और ये जो दो वर्चुअल इमेजेस आते हैं उसके वजह से आप पाते हैं दो कोहेरेंट सोर्सेस को, राइट। और ये दो कोहेरेंट सोर्सेस जो होते हैं ये आपको देते हैं आपके सोर्सेस, जिसके वजह से आप दिस थिंग, समझ में आया ना। अब ये दो वर्चुअल सोर्सेस से आपको आएंगे ये इंटरफेरेंस पैटर्न, राइट। तो ये था हमारा फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म, राइट, जो हम लोग ने इसके बारे में बात की कल, और मैंने बताया आपको कि किस तरह से बाइप्रिज्म का इस्तेमाल करने से आपको मिलते हैं दो कोहेरेंट सोर्सेस। ये दोनों सोर्सेस जो है वर्चुअल होते हैं, राइट, लेकिन आप उसके इंटरफेरेंस पैटर्न को स्क्रीन पे पा सकते हैं, राइट, ठीक है ना। तो ये था फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म जो यूज करता है डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट, राइट। ये क्लियर है सबको, क्या माजिद पूछना चाह रहा था, पूछिए ना चैट में क्या पूछना चाह रहे थे आप, नहीं हेलो, मैम ठीक, कोई नहीं कोई नहीं, हो यस ठीक है, ओके। नहीं मैम, नहीं क्योंकि अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो मुझे अच्छा लगता है, अच्छा है अगर आप लोग कोई क्वेश्चन पूछते हैं, राइट, नहीं तो मैं बस ये एम्प्टी स्क्रीन में बात करते जाती हूँ, तो आप लोग कुछ बोलेंगे तो अच्छा है, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए, अच्छा लगता है अगर कोई क्वेश्चंस है, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, जैसे मैंने कहा हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग कोहेरेंट सोर्सेस पाए, तो ये कोहेरेंट सोर्सेस के लिए हम लोग ने ये बाइप्रिज्म का इस्तेमाल किया। अब मैंने आगे बढ़ूं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, दूसरा तरीका बात करेंगे, जो हम लोग बोल रहे थे डिविजन ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है, यानी कि डिविजन ऑफ एम्पलीट्यूड के जरिए हम लोग किस तरह से कोहेरेंट फोर्सेस को पा सकते हैं, राइट। बोलो बोलो, मैम हेलो 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 हेलो, हेलो, बोलो मजार यार, बोलो, टाइप करो, तुम टाइप करके बोलो, मैसेज में लिखो ना चैट में, हेलो मैम, बोलिए ना भैया, लगता है उसको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है मजार, तेरा खराब है हेडफोन यार, हेडफोन सही कर, ये कौन पूछना चाह रहा था, मजार है मजहर, मजार, मजहर, तो टाइप कीजिए ना मजहर, ठीक है, फिलहाल टाइप नहीं किए हैं तो कंटिन्यू, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे, कंटिन्यू करती हूँ मैं, जब आपको हो सका आप टाइप करके मुझे बताइए, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग देखना चाह रहे थे कि डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड से हम लोग कैसे बना सकते हैं कोहेरेंट सोर्सेस, राइट। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज हम लोग के ये था, जिसको जो मैं हम लोग कल एंडिंग में कर रहे थे, चेंज ऑफ फेस ऑन
रिफ्लेक्शन, राइट। और मैंने आपको बताया कि सपोजिंग आपके पास एक आईना है, राइट, एक आईना है, हमें मालूम है कि आईना जो है, एक मिनट, हाँ मैं ये स्टॉप शेयर करती हूँ, ये वाला वीडियो शायद चल रहा, क्या प्रॉब्लम ये है क्या माज इसको, ये पॉज हो गया, ठीक है, अब हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से रिफ्लेक्शन पे चेंज ऑफ फेज होता है। तो अगर ये मेरे पास एक आईना है और इस पे लाइट पड़ती है, ओके, लेट अस अज्यूम कि ये जो मीडियम है ये एयर है और ये मीडियम ग्लास है या वाटर है, राइट। तो इन शॉर्ट लाइट जा रहा है फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, राइट, ठीक है ना। हेलो, यस मैम, यस मैम, यस मैम, होता है राइट, लाइट का रिफ्लेक्शन जो होता है जब हमारे को चेंज ऑफ फेज होता है, राइट, यानी कि आपके जो वेव जो है उसमें आपको चेंज ऑफ फेज आएगा, ठीक है। अब ये किस किस्म का चेंज ऑफ फेज आता है, राइट, तो सपोज हमें आप लोग को याद करना पड़ेगा ये कि आपके अगर अगर आप जा रहे हैं फ्रॉम अ रिफ्लेक्टेड सरफेस ऑफ, अगर आप जा रहे हैं फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो फिर चेंज ऑफ फेज ऑफ पाई होता है। अगर डेंसर टू रेयरर में जा रहे हैं तो आपको चेंज ऑफ फेज नहीं होता है। तो अगर मेरे पास ये लाइट है जो गिर रहा है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, राइट, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसमें आपको चेंज ऑफ फेज ऑफ पाई हो जाएगा, ओके। और अगर आपका हो रहा है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, मूवमेंट हो रहा है लाइट को, तो आपका चेंज ऑफ फेज जीरो होता है। तो आपको बेसिकली देखना है कि आपका जो व्हाट यू से, आपका जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो किससे हो रहा है, रेयरर टू डेंसर या डेंसर टू रेयरर, ठीक है। और यही प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है लॉयड्स मिरर में, ठीक है। ये क्लियर है ना आप लोगों को कि अगर रेयरर से डेंसर जा रहे हैं तो आपको फेज डिफरेंस पाई है, अगर डेंसर से रेयरर जा रहे हैं तो जीरो है। तो जैसे मैंने आपको कहा, पानी पे अगर आप बॉल को फेंकते हैं और अगर वो बॉल उछलता है, रिफ्लेक्ट होता है, तो चेंज ऑफ फेज ऑफ पाई हो जाएगा। लेकिन ये अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल पानी है, लेकिन अगर आप पानी के अंदर से आप अगर बॉल को फेंकेंगे, राइट, डेंसर टू रेयरर, तो फिर जो आपका रिफ्लेक्शन होएगा तो आपको चेंज ऑफ फेज जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें आपको चेंज ऑफ फेज जीरो हो जाएगा, इसमें आपको चेंज ऑफ फेज पाई हो जाएगा जब फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, और ये हो जाता है आपको फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कोहेरेंट सोर्सेस के लिए हमको दो सोर्सेस क्रिएट करना है जिसमें कोई कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, राइट, और इसीलिए यही इस्तेमाल किया जाता है फॉर लॉयड्स मिरर, राइट। तो हम लोग देखेंगे, ये है लॉयड्स मिरर। अब ये लॉयड्स मिरर में आपके पास एक सोर्स है S1, राइट, तो एक तो सोर्स है वो S1 ही है। अब S1 की जो लाइट है ये पड़ रही है एक मिरर पे। आई होप आप लोग सबको मालूम है कि आपका जो इमेज मिरर में आता है वो एक वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज नहीं है, वर्चुअल इमेज है। तो ये सोर्स से जब लाइट पड़ रहा है ये मिरर के ऊपर, तो ऑब्वियसली ये सोर्स से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट, रिफ्लेक्ट हो रहा है इस तरह से, राइट, और ऑब्वियसली इसमें क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम क्योंकि ये कांच पे हो रहा है, इसके वजह से यहाँ एक चेंज ऑफ फेज इन पाई आ जाएगा, राइट, पाई चेंज ऑफ फेज आ जाएगा, और जिसके वजह से यहाँ पे इसको अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे
तो यहां पे आपको आ जाएगा एक और सोर्स जो है S2, राइट। तो अब क्या है, आपके पास दो सोर्सेज हैं S1 और S2, जिसमें फेज डिफरेंस पाई है, ये एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, और इस तरह से ये दोनों सोर्सेज से आपको मिलता है, आपको मिलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज, जिसमें से एक सोर्स जो है S1 जो है ये एक रियल सोर्स है, S2 जो है आपका वर्चुअल सोर्स है, राइट। और ये दोनों के वजह से, ये दोनों अब आपको सोर्सेज है, इसके वजह से यहां पे अगर आप स्क्रीन डालेंगे, राइट, तो ये जो दो सोर्सेज है, देखिए ये यंग्स डबल स्लिट की जैसे ही आपको दो सोर्सेज है, तो यहां पे आपको ऑब्वियसली इंटरफेरेंस का पैटर्न दिखेगा। समझ में आया, राइट। फ्रेशनर्स बाय प्रिज्म में हमारे दोनों सोर्सेज वर्चुअल है, इसमें हमारा एक सोर्स रियल है और एक सोर्स हमारा वर्चुअल है, बट इन शॉर्ट इस तरह से हम लोग ने पाया दो कोहेरेंट सोर्सेस, राइट। यही हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग को मिले दो कोहेरेंट सोर्सेस, राइट। अब आप देख सकते हैं इसका कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है जैसे कि यंग्स डबल स्लिट का है, इसीलिए इसके लिए फॉर्मूला भी ये अप्लाई करेगा, एक्स इज इक्वल टू लैम्डा डी डिवाइडेड बाई 2d, जहां लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, कैपिटल डी इज डिस्टेंस टू स्क्रीन, और 2d जो है ये है डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेस, तो ये S1 और S2 के बीच का जो है डिस्टेंस ये हमारा 2t हो जाएगा, 2d हो जाएगा, राइट। और इसी तरह से जैसे हम लोग ने उसमें किया फ्रेस्टल्स बायप्रिज्म में, हम लोग ये इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को मेजर करके हम लोग लैम्डा का पता कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला में देखिए आप, ये फॉर्मूला में देखिए एक्स को हम लोग मेजर कर सकते हैं, राइट, कैपिटल डी को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब हम लोग ये दो चीजों में से किसी का भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हम लोग 2d को मेजर कर लिए तो हम लोग लैम्डा पता कर सकते हैं, या तो हम लोग लैम्डा को मेजर करके 2d पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका बेसिकली इस्तेमाल होता है इसके लिए, लैम्डा को पता करने के लिए, ठीक है। तो लैम्डा को हम लोग पता कर सकते हैं यूजिंग लॉयड्स मिरर, और लॉयड्स मिरर क्या कर रहा है, डिविजन ऑफ एम्पलीट्यूड। अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसको एम्पलीट्यूड क्यों कह रहे हैं, वो वाले देखिए आपका उसमें आप क्या कर रहे थे, आप करा रहे थे दो वर्चुअल, दो सोर्सेस, राइट, बायप्रिज्म में आप दो वर्चुअल सोर्सेस करा रहे थे, तो सेम वेव फ्रंट के आप एग्जैक्टली दो हिस्से बना रहे थे, राइट, क्योंकि आपका बायप्रिज्म सिमेट्रिकल है, तो आपके दोनों सोर्सेस का जो इंटेंसिटी है वो सेम है, और आप वेव फ्रंट के दो हिस्से ले रहे थे। अब इसमें क्या हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन इसका रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या है, मिरर के रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज क्या है, आपने इनकमिंग वेव फ्रंट के दो हिस्से बना दिए, राइट, एक हिस्सा वो है जो आपका सोर्स ही है S1, और एक हिस्सा जो है वो आपके रिफ्लेक्टेड लाइट का हिस्सा है। अब रिफ्लेक्टेड लाइट पूरा लाइट नहीं होता, राइट, लाइट में से कुछ हिस्सा होता है जो रिफ्लेक्ट होता है, और वो हिस्सा आपको दे रहा है आपका वर्चुअल सोर्स, इसलिए ये जो S1 और S2 इसके जो एम्पलीट्यूड्स है ये सेम नहीं होंगे, राइट, इसका एम्पलीट्यूड वेरी होगा, बट फ्रेस्टल बायप्रिज्म में आपके दोनों सोर्सेस के एम्पलीट्यूड्स सेम रहेंगे, राइट, इसमें आपके एम्पलीट्यूड्स वेरी होगा, और इस तरह इसको कहा जाता है डिविजन ऑफ एम्पलीट्यूड, क्योंकि आपने एम्पलीट्यूड को वेरी किया है, राइट, आपने इसको नहीं किया है, राइट, ये समझ में आया सबको या नहीं। हेलो, आप लोग को कुछ डाउट है इसमें? हाँ, हेलो, किसी को कोई डाउट है क्या इसमें कि किस तरह से? नो मैम,
कोहेरेंट सोर्सेस को बनाया? नहीं है डाउट? ओके, अब एक और चीज हम लोग एक कॉन्सेप्ट में क्लियर करना चाह रही हूं, जिसको हम लोग बुलाते हैं ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ, अब सपोजिंग आपका लाइट जो है जा रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, राइट, और ये डिस्टेंस एक्स है, राइट, ये डिस्टेंस डी है, सॉरी, राइट, और सपोजिंग ये एयर में जा रहा है, राइट, तो एयर का हमें मालूम है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन है, राइट, सपोजिंग ये कांच में जा रहा है तो कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोजिंग आपका 1.3 है। He can't, he's not well, he can't take class, he'll take okay. seminar next week. Okay, तो ये है आपका 1.3, right? तो हम लोग define करते हैं एक चीज जिसको हम लोग बोलते हैं optical path. अब I hope आप लोग को मालूम है कि refractive index को एक और तरीके से भी define किया जाता है, जो कहा जाता है refractive index जो है, ये है C divided by V. C क्या चीज है? C है velocity of light in vacuum, और V जो है ये है कोई और रंग लेंगे, ये है velocity of light in medium, right? तो for example C जो है, तो आपको मालूम है कि velocity of light in vacuum सबसे highest है, right? कोई चीज उसको एक्सीड नहीं कर सकता, लेकिन लाइट अगर कोई और मीडियम में घुसती है, तो जब लाइट दूसरे मीडियम में रहती है तो वो लाइट स्लो हो जाती है, राइट, तो अगर लाइट कोई और मीडियम में है तो वो लाइट स्लो हो जाता है, कितना स्लो हो जाता है डिपेंडिंग ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट, तो सपोजिंग आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 के बदले में मैं इसको 1.5 कर दूंगी ताकि ये हमको कैलकुलेशन को ज्यादा आसानी पड़ेगी, 1.5. तो सपोजिंग ये लाइट कोई कांच में गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी इन ग्लास, राइट, विल देयरफॉर इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय एन, व्हिच इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय 1.5, यानी कि कांच में फॉर एग्जाम्पल ये जो लाइट है ये डेढ़ गुना स्लो चलेगा कंपेयर टू एयर, राइट, ये बेसिकली आपको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसकी जो वेलोसिटी है प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम पे डिपेंडेंट है, राइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम पे डिपेंडेंट है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं है, वेलोसिटी ऑफ मीडिया प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम पे रहती है डिपेंडेंट, तो अगर आप मीडियम को बदल देंगे तो आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट बदल जाएगी, राइट, इसीलिए जब हम लोग लाइट को फॉर एग्जांपल ग्लास में वो जाता है तो वो डेढ़ गुना स्लो हो जाता है, राइट, और इसीलिए ऐसा लगता है कि लाइट जो है जो डिस्टेंस पहले ट्रेवल कर रहा था बिटवीन ए एंड बी, ये एक कोई डिस्टेंस डी है, ये एक्चुअली दिख रहा है कि ये ए बी का जो डिस्टेंस है ये बढ़ गया, राइट, क्योंकि ये लाइट स्लो हो गया, कितना बड़ा, म्यू टाइम एन टाइम्स बड़ा, यानी कि एन इनटू डी, राइट, और इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं और कहते हैं ऑप्टिकल पाथ, राइट, तो ये दो चीजें डिफाइन करते हैं, एक हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक पाथ, राइट, यानी कि लाइट रे जब जा रहा है ए टू बी तो ए टू बी का जो डिस्टेंस है ये डी है, ये है ज्योमेट्रिक पाथ, यानी ज्योमेट्रिकली क्या डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी वो डिस्टेंस डी है, राइट, लेकिन जब लाइट वो डिस्टेंस कवर करती है तो लाइट की वेलोसिटी वेरी होती है, राइट, डिपेंडिंग ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट, और इसी वजह से उसको हम लोग बुलाते हैं ऑप्टिकल पाथ, यानी कि अगर हमारे पास मैम ज्योमेट्रिकल पाथ के बाद से आपने जो बताया उसको फिर एक बार रिपीट कर दीजिए, ज्योमेट्रिकल पाथ क्या है और ऑप्टिकल पाथ,
ऑप्टिकल पाथ की लेंथ इंक्रीज हो रही है, ये चीज फिर से बता दीजिए। ठीक है ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। सपोजिंग आपके पास ये दो पॉइंट्स है ए और बी, ठीक है, इसके बीच की दूरी जो है ये डी है, राइट। तो इसको हम लोग बुलाते हैं ज्योमेट्रिक पाथ, यानी कि जो दूरी है ये दो पॉइंट्स के बीच को, उसको हम लोग डी बुलाते हैं, ज्योमेट्रिक पाथ, राइट, जो एक्चुअल डिस्टेंस है। लेकिन अगर सपोजिंग ए टू बी ये दोनों को हम लोग पानी में डाल रहे हैं या कुछ कांच में डाल रहे हैं, राइट, ए टू बी सपोजिंग ये एक कांच का स्लैब है, राइट, ग्लास का स्लैब है, और अब हम लोग लाइट को पास कर रहे हैं बिटवीन ए एंड बी, राइट। तो अब हम लोग ये जो लाइट है ए टू बी का ज्योमेट्रिक पाथ क्या है, मेरा ए बी। लेकिन अब सपोजिंग मैं यहाँ पे कोई लाइट का सोर्स डालती हूँ और ये लाइट का सोर्स जाता है फ्रॉम ए टू बी, राइट, तो वो डिस्टेंस सेम है डी, ऑब्वियसली डी सेम है, लेकिन अब ये कांच में है, कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ एन है, और जैसे मैंने आपको यहाँ किया एन इज इक्वल टू 1.5, सपोजिंग कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, राइट। तो एक तरीका जिससे आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझते हैं वो है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एन, राइट। और एक और डेफिनेशन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय v, जहां c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और v जो है ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, यानी कि मीडियम ग्लास हो सकता है, पानी हो सकता है, जो भी मीडियम है ये आपका v है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम सबसे ज्यादा होता है, और अगर लाइट कोई मीडियम में रहता है तो हम लोग यही फॉर्मूला को लिखेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं velocity in glass is equal to c divided by n, यानी कि अगर n is equal to 1.5 तो this will be c divided by 1.5, और ये आपको क्या क्या कह रहा है कि velocity of light जो है कांच में डेढ़ गुना slow हो गई, right? तो कांच जो में जो light थी, right? वो डेढ़ गुना slow हो गई, right? अब इसको समझने के लिए हमें मालूम है कि light जो है electromagnetic wave है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में शायद आप लोग ने किया था मैक्सवेल्स इक्वेशंस, और उसमें आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो डिपेंडेंट है ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, ओके, वो डिपेंडेंट नहीं है ऑन वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, वो डिपेंडेंट है ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। तो अलग अलग मीडियम के लिए आपकी जो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो अलग अलग होगी, राइट, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि कांच में अगर आप लाइट को पास करेंगे तो लाइट जो है वो स्लो जाएगी, हाँ, स्लो मूव होगी, यानी कि वेलोसिटी कम हो गई, राइट। तो अगर हम लोग लाइट को लेते थे, अगर लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट पे जाती थी तो दिस वुड बी वेलोसिटी ऑफ ग्लास मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट, ओके। तो अब हम लोग डिफाइन करते हैं एक नई चीज जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ क्या है, हमें लगता है कि ये लाइट जो है ग्लास में जब गई ये स्लो हो गई, राइट, तो ऐसा दिखा कि ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, कितने ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। तो वो है फॉर एग्जाम्पल ऐसा दिखा कि ये कांच डेढ़ गुना ज्यादा लंबाई कवर कर रहा है क्योंकि वो स्लो हो गया, राइट, और इसीलिए हम लोग इसको डिफाइन करते हैं और कहते हैं ऑप्टिकल पाथ। तो ऑप्टिकल पाथ क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू डिस्टेंस डी। अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन है यानी कि एयर है, राइट, तो हमारा ज्योमेट्रिक पाथ और ऑप्टिकल पाथ दोनों सेम हो जाते हैं, राइट, तो एयर के लिए ज्योमेट्रिक पाथ और ऑप्टिकल पाथ सेम है। लेकिन अगर वो लाइट जाता है पानी में या कांच में या कोई भी ऐसे मीडियम में जिसमें लाइट ट्रैवल कर सकता है, राइट, तो हमें दिखता है कि उसका ऑप्टिकल पाथ जो है लंबा हो गया। ये क्यों ऐसा दिख रहा है, क्योंकि ये लाइट स्लो हो गई। समझ में आया आपको मजहर साहब? हाँ, यस मैम, ये बात समझ में आ गई है। तो ये दो चीजें हैं जो आपको समझना है, एक है ऑप्टिकल पाथ और दूसरी चीज है
ज्योमेट्रिक पाथ। तो मैम एक बात हम ये कह सकते हैं ना कि जब भी हमारा कोई वेव ऑप्टिकल पाथ कवर करेगा तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब या स्पेशल केस में ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना कि हमारे ऑप्टिकल पाथ की डिस्टेंस ज्योमेट्रिकल पाथ की डिस्टेंस से ज्यादा हो। नहीं, बट हमारे पास ये देखिए ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, राइट? तो आप अगर चाहते हैं कि आपका, तो आपको मैक्सिमम ये हो सकता है कि आपका ज्योमेट्रिक पाथ इज इक्वल टू ऑप्टिकल पाथ व्हेन n इज इक्वल टू 1। एक मिनट हां, ये जरा यस मैम, ये बात समझ में आ गई। हां अभी आपको बताती हूं। तो हम लोगों ने क्या कहा, ए बी is equal to n times AB, right? ये है आपका geometric path, ये है आपका optical path. लेकिन मैं आपको क्या कह रही हूँ कि n is always greater than or equal to 1, right? तो या तो आपको for example air में आपको हो जाता है कि आपका geometric path हवा में, right? हवा में क्या हो जाता है कि आपका geometric path is equal to optical path क्योंकि आपका refractive index 1 है। लेकिन कोई भी एनी अदर मीडियम हमेशा आपका n जो है विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो आपका ऑप्टिकल पाथ विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक पाथ, राइट? ये है क्योंकि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी 1 से कम नहीं हो सकता, कम नहीं हो। क्योंकि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम हो गया तो उसका मतलब है कि वो मीडियम में लाइट वैक्यूम से ज्यादा स्पीड पे चल रही है और वो पॉसिबल नहीं है, राइट? फास्टेस्ट स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वैक्यूम में है, राइट? तो ये फॉर्मूला को देखिए, n is equal to c by v। अगर मैं चाहती हूँ कि n is less than 1, तो ये अलग मीडियम में इसकी वेलोसिटी c से बढ़ के होनी चाहिए और ये पॉसिबल नहीं है। जब आप मैक्सवेल्स इक्वेशंस एक्सेट्रा करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वैक्यूम से ज्यादा स्पीड पे लाइट नहीं जा सकती, राइट? और इसीलिए ये जो मैंने लिखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, और इसीलिए आपका ऑप्टिकल पाथ जो है हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक पाथ होगा। ये कभी भी ये इक्वल हो सकते हैं अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1, यानी कि ये हो रहा है आपको हवा में, लेकिन ये ऑप्टिकल पाथ जो आप पूछ रहे थे, जो मैं अभी लिखती हूँ, आप जो पूछ रहे थे क्या ऑप्टिकल पाथ कैन बी लेसर देन ज्योमेट्रिक पाथ, तो ये आपको कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता कि आपका ऑप्टिकल पाथ ज्योमेट्रिक पाथ से कम हो। नहीं नहीं मैम ये बात नहीं मैम, ये इसका मैंने रिवर्स बोला था कि ज्योमेट्रिकल पाथ जो है वो हमेशा ऑप्टिकल पाथ के कंपैरिजन में कम रहेगा, मैंने बोला था। वो सही है, वो सही है, वो तो यही बात है ना। समझी आप उल्टा बोल रहे हैं, वेरी गुड। तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम सब अग्री करते हैं, ठीक है? तो ये है हमारा ज्योमेट्रिक पाथ और ऑप्टिकल पाथ का फर्क। क्योंकि अब हम लोग आज नहीं लेकिन कल हम लोग बात करेंगे जब लाइट को हम लोग दूसरे मीडियम में डालेंगे। जैसे मैं आपको उस दिन बता रही थी ना कि आप लोग सभी देखे होंगे कि बारिश के टाइम पे जब पानी के पडल्स रहते हैं, राइट? तो वो पडल्स पे अगर थोड़ा सा तेल ऊपर रहता है और आप ऊपर से देखते हैं तो आपको कलर्स दिखते हैं, राइट? तो कल मैं आपको बताऊंगी कि आपको अलग अलग कलर्स क्यों दिखते हैं, राइट? अभी मैं आपको वो डेरिवेशन हम लोग कल करेंगे, लेकिन अभी आपको मैं समझाती हूँ ब्रीफली कि किस तरह से वो होता है। तो मैंने आपको बताया कि ये है हमारा पानी, ये है डेंसर मीडियम, राइट? पानी के ऊपर हमारे पास तेल है। हमें सबको मालूम है आई होप कि तेल जो है पानी से रेयरर है, राइट? रेयरर मीडियम, राइट? यानी कि जो डेंसिटी ऑफ ऑयल है कम है कंपेयर टू पानी, राइट? इसलिए तेल ऊपर आ जाता है, राइट? और यहाँ ऊपर मेरे पास हवा है, एयर। तो ये आपका पानी का पडल है, जो पानी बारिश में गिरा उसके ऊपर थोड़ा सा तेल आ गया, राइट?
अब क्या होता है, इसका डेरिवेशन हम लोग कल करेंगे, आज मैं नहीं करती हूँ क्योंकि थोड़ा लंबा सा है। तो हम लोग वो देखेंगे कि जब ये ये जो लाइट है इस पे पड़ती है, तो मैंने आपको बताया एक हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है और ये देता है मुझे मेरा रे आर वन, राइट, ये रिफ्लेक्ट होता है। दूसरा हिस्सा जो होता है इसका, ये इसमें तेल में घुस जाता है, राइट, तो ये जा रहा है यहाँ से फ्रॉम रेरर मीडियम, एयर इज रेरर कंपेयर टू ऑयल, इसलिए रेरर टू डेंसर आएगा तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, राइट, आपको सभी को मालूम है ना रिफ्रैक्टिव का ये रिफ्रैक्शन में क्या हो जाता है। अगर लाइट जाता है फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम तो लाइट जाता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नहीं सॉरी टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेरर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट, ये सबको मालूम है ना। हाँ बोलो सब लोग, बिलाल साहब, हाँ मालूम, हेलो बिलाल, आपको मालूम है ये, नहीं चले गए सोहेल? यस मैम, मालूम है, मालूम है, मालूम है, वेरी गुड, यस मैम। तो ये जो लाइट यहाँ आ रहा है फ्रॉम रेरर टू डेंसर, तो अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, राइट, अब ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा ये सरफेस पे, ये सरफेस क्या है, बिटवीन रेरर टू डेंसर, राइट, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा, राइट, एट दिस बॉर्डर, और फिर ये निकलेगा यहाँ से, ये हो जाएगा मेरा, राइट। अब आप लोगों को याद है हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं अबाउट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, हम लोग ने बात की कि आपको होता है फेज डिफरेंस, राइट, फेज डिफरेंस इन रिफ्लेक्शन, और क्या कहा हम लोग ने कि अगर आपको, आप जा रहे हैं फ्रॉम रेरर टू डेंसर तो आपको पाई का फेज डिफरेंस आएगा, लेकिन अगर आप डेंसर टू रेरर जा रहे हैं तो आपको कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, राइट, तो अब ये केस में देखिए, ये वाला आर वन, इसको रिफ्लेक्शन हो रहा है आपको रेरर टू डेंसर, तो आर वन को एक फेज डिफरेंस आ गया पाई का, राइट, लेकिन यहाँ आर टू में यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है आपको फ्रॉम डेंसर टू रेरर, तो आपको कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आएगा, तो इसको फेज डिफरेंस नहीं है, इसको फेज डिफरेंस है, समझ में आया ना सबको। आर वन जो है सरफेस पे रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये क्या हुआ फ्रॉम रेरर टू डेंसर, रेरर क्या था एयर, डेंसर क्या था ऑयल, तो यहाँ आपको फेज डिफरेंस पाई आ गया। आर टू क्या है, यही रे का हिस्सा अंदर घुस गया इनसाइड द ऑयल और ये बॉर्डर पे ये रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये रिफ्लेक्ट होके जो निकल रहा है ये हो जाता है आपको आर टू, तो ये रिफ्लेक्शन आपको हो रहा है फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम, सॉरी ये है आपका, सॉरी ये हो रहा है आपको डेंसर टू रेरर, राइट, डेंसर आपका वाटर है और रेरर ये है, तो इसीलिए ये रिफ्लेक्शन में आपको फेज डिफरेंस नहीं आएगा, इसमें आपको फेज डिफरेंस आएगा पाई, तो ये है एक एग्जाम्पल ऑफ डिविजन ऑफ एम्पलीट्यूड, राइट, यानी कि आपने ये जो इनकमिंग रे आर था इसके दो हिस्से बना दिए हैं आर वन और आर टू, और ये दोनों में आपको डिविजन ऑफ एम्पलीट्यूड आपको आ गया है क्योंकि आपने रिफ्लेक्शन को इन्वॉल्व किया है, राइट, और इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑन थिन फिल्म्स, थिन फिल्म्स यानी कि ये जो है ये पतला होना, ये जो तेल का जो लेयर है पानी पे ये बहुत पतला होता है और इससे आपको इंटरफेरेंस मिलता है, राइट। अब हमें ऑलरेडी फॉर्मूला मालूम है इंटरफेरेंस का, फॉर्मूला क्या है हमें मालूम है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये देता है हमको ब्राइट, राइट, और डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन प्लस हाफ लैम्डा आपको देता है डार्क, करेक्ट, ओके,
लेकिन अब आपको क्या है, आप इसीलिए आप देख सकते हैं, सपोजिंग ये व्हाइट लाइट है, यानी कि इसमें सभी लैम्डास है, ओके, बारिश के बाद का टाइम है, सनलाइट उस पर पड़ रहा है, तो ये व्हाइट लाइट है, उसमें हर किस्म के लैम्डास मौजूद है, राइट? और इसीलिए आप देख सकते हैं डी तो अपना कांस्टेंट है, डी क्या है, हम लोग ये जो फिक्स्ड है, राइट, बिटवीन दीज टू, तो आप बदल रहे क्या, थीटा और लैम्डा, यानी कि आपको अलग अलग थीटास पे अलग अलग लैम्डास का मैक्सिमा आएगा, ठीक है? तो इसीलिए अगर आप कोई भी थिन फिल्म को रखते हैं, या आप इस तरह से बारिश के ऊपर का देखते हैं, अगर आप देखने में अपना एंगल बदलते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां से देखते हैं, या यहां से देखते हैं, या यहां से देखते हैं, ये पानी को अलग अलग एंगल्स से आप उसको देखते हैं, तो आपको अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, क्यों, क्योंकि अलग अलग लैम्डास पे अलग अलग थीटास पे आपको अलग अलग लैम्डास का मैक्सिमा आएगा, ठीक है? कल हम लोग इसका पूरा डेरिवेशन करेंगे आराम से, आज हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि वो डेरिवेशन थोड़ा लंबा है, ओके, लेकिन अभी आप कॉन्सेप्ट समझिए कि अलग अलग थीटास पे आपको अलग अलग लैम्डास का मैक्सिमा आएगा, और इसीलिए जब आप ये तेल को ऊपर से देखते हैं और अपने एंगल्स को बदलते हैं, तो आपको तेल के ऊपर का जो रंग है वो अलग अलग दिखने लगेगा। ये सिमिलरली होता है जो मैं आपको बोल रही थी, बुक्स का लैमिनेशन, बुक के कवर का जो लैमिनेशन है उसको आप खींचेंगे और उसको ऐसा हवा में झुलाएंगे, तो आपको अलग अलग कलर्स दिखेंगे, क्योंकि अलग अलग फिल्म्स उस पे आ रहे हैं, और उसके वजह से आपको अलग अलग लैम्डा का मैक्सिमा आ रहा है, ठीक है? इसको हम लोग और डिटेल में कल करेंगे, लेकिन जो मैं आपको समझाना चाह रही थी वो ये है कि किस तरह से अलग थीटास पे आपको अलग लैम्डास का मैक्सिमा आएगा, ठीक है? ये सेम चीज है, इंटरफेरेंस ही है जो हो रहा है, लेकिन चूंकि आपके व्हाइट लाइट में अलग अलग वेवलेंथ है, इसीलिए अलग थीटास पे अलग लैम्डा का मैक्सिमम आएगा, ठीक है? चलिए, पूछिए कोई लोग, कुछ क्वेश्चंस पूछिए, हुमैरा कुछ पूछो, सना कुछ पूछो, हेलो, कोई और पूछो, चलो चलो आप स्टार्ट कीजिए, मजर बोलो क्या पूछना है आपको। मैम आपने जो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड की बात की है अभी जी, तो मैम एंगल, जैसे हमारा एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन भी चेंज होगा, तो उसी हिसाब से इंटरफेरेंस का पैटर्न भी चेंज होगा ना? बिल्कुल चेंज होगा ना, और इसीलिए अलग थीटा पे अलग अलग रंग का मैक्सिमम आएगा ना, इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि ऐसा पानी के उस पे अलग अलग एंगल पे देखो तो आपको अलग अलग रंग दिखेंगे, ब्लू दिखेगा, रेड दिखेगा, वो बात तो हो गई। यस मैम, तो मैम हमारा यानी कि एंगल जो है, हमारा एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन को चेंज करने के बाद हमारा इंटरफेरेंस का पैटर्न चेंज हो रहा है। Yes, तो एम्पलीट्यूड की बात मैम कहाँ से आ गई? एम्पलीट्यूड तो सेम रहेगा ना एक पॉइंट पे, हमारा तो बेसिकली पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज हो रहा है, एम्पलीट्यूड तो सेम रह रहा है ना? नहीं नहीं, देखिए एम्पलीट्यूड क्यों बदल रहा है, क्योंकि हम लोग इनकमिंग रे जो आर था ना, हम लोग ने उसके दो हिस्से बना दिए, आर वन भी बना है, आर टू भी बना है, जी, राइट? अब उसके वजह से कितना हिस्सा ऊपर रिफ्लेक्ट होगा और कितना हिस्सा नीचे रिफ्लेक्ट होगा, ये वेरी होगा, करेक्ट? अच्छा, जैसे हम लोग फ्रेशनेस बायप्रिज्म में किए थे, वो बायप्रिज्म सिमेट्रिकल है, राइट? आप बनाए दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, करेक्ट, क्योंकि आपका बायप्रिज्म सिमेट्रिक है, करेक्ट? लेकिन yes, अब ये केस में आर वन और आर टू, ये जो दोनों चीजें हैं, ये दो हिस्से हो गए हैं ऑफ आर, राइट? आर के हमारे दो हिस्से हो गए, आर वन और आर टू, इनके एम्पलीट्यूड जो है ये वेरी होंगे, राइट? क्योंकि ये कितना रिफ्लेक्ट इधर हुआ, कितना रिफ्लेक्ट इधर हुआ, तो ये जरूरी नहीं है कि ये 1/2 1/2 हाफ हाफ नहीं हुआ है, ये अलग अलग होगा डिपेंडिंग ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑयल या थिकनेस ऑफ दिस फिल्म, करेक्ट? यस मैम, ये R1 और R2 हाफ हाफ नहीं है, ओके? तो R1 और R2 सेम नहीं है,
तो यानी कि मैम ये जो हमारा डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड हो रहा है ये आर से यानी कि जो इनकमिंग वेव रेज है हमारी वहां उसमें से हो रहा है। करेक्ट, तो इनकमिंग रे हमारा आर था, उसके हमने दो हिस्से बनाए आर वन और आर टू, कि आर वन और आर टू के बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है, राइट। ये जो दो हिस्से हम लोग बना दिए, दो हिस्से क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं दो कोहेरेंट सोर्सेस, राइट। तो मैंने आपको समझाया कि हम लोग ये दो कोहेरेंट सोर्सेस किस तरह से पाते हैं, या तो पाते हैं विथ फ्रेस्नल्स बाइप्रिज्म जिसमें हमें दो वर्चुअल सोर्सेस मिलते हैं, राइट, या तो दूसरा जैसा तरीका था जैसे लॉयड्स मिरर था, उसमें हम लोग ने क्या किया, एक हिस्सा सोर्स था और एक हिस्सा सोर्स का रिफ्लेक्शन था, राइट। और सोर्स के रिफ्लेक्शन में क्या हो गया, फेज डिफरेंस पाई हो गया, यानी कि सोर्स और उसके रिफ्लेक्शन दोनों में हम लोग ने कुछ फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस किया। अगर फेज डिफरेंस नहीं होता था तो हमें ये पैटर्न नहीं आएगा ना, क्योंकि पाथ डिफरेंस सेम हो, फेज सेम होएगा ना। अगर दोनों के बीच में देखिए, अगर आपको फेज डिफरेंस नहीं आएगा तो आपको पाथ डिफरेंस नहीं आएगा, तो आपको सेम ही आएगा, आपको कोई इंटरफेरेंस पैटर्न आएगा ही नहीं, राइट। तो आप किसी तरह से या तो ऑप्टिकल पाथ को बदलते हैं या तो फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फेज डिफरेंस भी डाल रहे हैं और प्लस हम लोग कल बात करेंगे इसमें ऑप्टिकल पाथ भी बदल रहे हैं। ये जो आर जो है ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसका पाथ क्या हो रहा है, पहले ये हिस्सा है और ये दोनों हिस्से टेल में है, तो इसका ऑप्टिकल पाथ अलग रहेगा और फिर निकलता है, राइट। तो हम लोग ने देखिए, हमको किसी तरह से दो कोहेरेंट सोर्सेस बनाने हैं, राइट, और इस तरह से हम लोग ने दो कोहेरेंट सोर्सेस बनाए। पूछिए आप फिर से, क्या पूछना चाह रहे थे, बोलो मजहर, क्या क्लियर है? यस मैम, क्लियर है मैम, हो गया मैम। तो ये बेसिकली आपने एम्पलीट्यूड को दो हिस्से कर दिए, यानी कि आपने वेव के दो हिस्से किए हैं जो नेसेसरली इक्वल नहीं है, ये अलग अलग भी हो सकते हैं, राइट। बट यंग्स डबल स्लिट पे हम लोग ने इक्वल हिस्से बनाए, क्योंकि हम लोग ने दो स्लिट बनाए, दोनों स्लिट्स का साइज सेम है। फ्रेस्नल बाइप्रिज्म में भी दोनों वर्चुअल सोर्सेस की इंटेंसिटी सेम है, लेकिन लॉयड्स मिरर में नहीं है। ओके मैम, नॉर्मल जो प्रिज्म हम लोग यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में, उसकी मदद से भी तो हम लोग ये काम कर सकते हैं ना, दो कोहेरेंट सोर्सेस बना सकते हैं। समझ में आया, बोलिए फिर से, बोलिए मैम। जो नॉर्मल प्रिज्म होता है, मतलब कि ऐसे जनरली जो यूज करते हैं हम लोग, यस, तो उसको भी तो हम लोग दो कोहेरेंट सोर्सेस बनाने के लिए यूज कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, लेकिन वो आपको ये हम लोग बाद में बात करेंगे। आपको इमेज एक ही आएगा फ्रॉम द प्रिज्म, आपको एक ही इमेज आएगा, राइट। कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग एसिमेट्रिक क्रिस्टल्स, राइट। वो क्रिस्टल्स में क्या है, आपको दो इमेजेस आते हैं, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी इमेज आता है और एक ऑर्डिनरी इमेज आता है, क्योंकि वो क्रिस्टल के दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस रहते हैं, तो आपको दो इमेजेस आएगा। लेकिन अगर आप क्रिस्टल के प्रिज्म के साथ करेंगे तो आपको एक ही इमेज आएगा, राइट, और आपको दो सोर्सेस चाहिए। बट आप कई तरीके से सेटअप कर सकते हैं कि आपको ये दो सोर्सेस बने, तो प्रिज्म के साथ भी कर सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा उसको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से आप उसको अलाइन करेंगे, राइट, किस तरह से उसको अलाइन करेंगे ताकि आपका क्या बोलते हैं सेटअप अच्छे से बने, बट कर सकते हैं। आपको फिर ओरिजिनल सोर्स यूज करना पड़ेगा और प्रिज्म के इमेज को यूज करना पड़ेगा, राइट, और दोनों के बीच में आपको फेज डिफरेंस आएगा जिससे आपको इंटरफेरेंस पैटर्न आएगा, तो कर सकते, बिल्कुल कर सकते। एक्चुअली वो ऑप्टिक्स में क्या है, मजा बहुत है लैब में, क्योंकि लैब में आप ये चीजों को करके देख सकते हैं, राइट, और अनफॉर्चुनेटली अब हमारा लैब नहीं कर सक रहे हम लोग, तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ और कोशिश करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि किस तरह से इसको इस्तेमाल करेंगे, ट्राई करती हूँ, ठीक है। कल एक अच्छी चीज आप लोगों को बताऊंगी, एक डेमो, अच्छा ऑप्टिक्स का डेमो बताऊंगी, आप लोगों को भी पसंद आएगा, कल आपको बताऊंगी मैं वो। लेकिन बाकी के जैसे आप कह रहे हैं ना, हमारे पास ये सब चीजें लैब में है, प्रिज्म है, ये सब है, तो आप जो कह रहे थे उसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जब आप लोग वापस आएंगे होपफुली लैब को, जब करेंगे, डोंट वरी, अभी उम्र लंबी है ना,
आपकी भी मेरी भी करेंगे ओके चलो ये okay. देखिए आप लोग के क्लास में बाकियों को बोले अटेंड क्यों नहीं कर रहे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है अभी भी देखो 8 लोग हैं जिसमें से एक तो मैं हूँ यानी कि 7 लोग हैं और आपके क्लास में 28 लोग हैं तो ये बाकी के लोग कर क्या रहे हैं प्लीज सबको इन्फॉर्म कीजिए पता नहीं मैम तो पता करो ना आपके दोस्त हैं चलिए मैं एंड करती हूँ और हम लोग एक मिनट हाँ 1 मिनट